हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपना हेयर कट। काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम हेयर कट की वीडियो शेयर कीजिए, आपके बाल खराब हो रहे हैं। तो आज सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूं। खुद से अगर आप सेल्फ हेयर कट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जिनको भी घर पे अपना हेयर कट करना है तो वो ये वीडियो देख के कर सकते हैं। और बहुत सारी जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ ब्यूटी केयर से रिलेटेड, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड रहती है। मेरी वेबसाइट लिंक है एंड मेरा सेकंड चैनल इंस्टा आईडी, सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लेटेस्ट वीडियो का भी। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में इजिली लिंक पे क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बालों को गीला करूंगी। जब भी आप हेयर कट करते हो तो बालों को गीला करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सूखे बालों में कट करोगे तो कट प्रॉपर तरीके से नहीं आती है और बाल भी बहुत ज्यादा इधर उधर उड़ के बिखर जाते हैं। तो शावर की मदद से मैं बालों को गीला कर रही हूँ। लेंथ इतनी है बालों की, कट करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। मुझे डिसाइड नहीं की रहती हूँ मैं कितना कट करना है, बट जब मैं कट करने लग जाती हूँ तो जितना मेरे को बेकार लगता है उतना मैं कट कर देती हूँ। बालों को लॉन्ग रखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे बाल आपके जितने भी रहें हेल्दी रहें, वॉल्यूम दिखे, वो ज्यादा अच्छा लगता है लंबे बालों के अकॉर्डिंग। और शॉर्ट्स हेयर जो होते हैं वो आपको मैनेज करने में भी काफी ज्यादा ईजी रहता है, बट जिनके लंबे बाल हैं हेयर फॉल नहीं होता है उनके चेहरे पे सूट करता है तो आप रख सकते हो। बट फ्रंट से कुछ ना कुछ अपने बालों को लुक देना चाहिए जिससे कि आपका फेस का लुक जो है वो अच्छा दिखे। तो मैंने इस तरीके से बालों को गीला कर लिया है एंड अच्छे से कॉम कर ली। यहाँ से मैं इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लूंगी बालों की, स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, जैसे मैंने बनाया है। ओके, पीछे के बालों को पीछे की तरफ कर दूंगी। इस तरीके से कॉम करेंगे, जितना आपको लेयर्स कट करना है उतना आप यहाँ पे कट कर दोगे। कैंची दीजिए ना, सीधे तो इतना हमने बाल तो निकाले हैं, बट अभी इतना एक साथ नहीं कट करना है। इसको आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद कट कीजिए तो आपका जो लुक है वो काफी अच्छा आएगा। ओके, बैक साइड के हेयर को लचर से सिक्योर कर देते हैं ताकि वो हमको हेयर कट करने में डिस्टर्ब ना करें। ओके, अब जो हमने हेयर लिए हैं इसमें से 2 पार्ट्स करेंगे। इनको इतना हमने कर लिया, इसको फ्रंट वाले को ऐसे रखेंगे एंड इस साइड से भी। इतने हेयर को ले लिया है। अब इन हेयर को अच्छे से फॉर्म करेंगे। बिल्कुल सीधा आपको इस तरीके से लेके आना है इसको। यहां से जितना आपको लेंथ रखना है उतना पर से आप इसको कट कर दोगे। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ज्यादा शॉर्ट नहीं करना है मुझे। ये हमने कट कर दिया, इतना लेंथ अभी निकला है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कट करेंगे। इस साइड के हेयर को इस तरीके से पकड़ा है जो हमने फ्रंट में लिया था, इसको एक साथ मिक्स करेंगे। ओके, और ये देखिए हमारे पास गाइडलाइन पहले से है,
इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको हेयर को कट करना है। तो ऐसे हमने किया, जैसे ही गाइडलाइन निकला है वैसे ही हमको यहाँ से हेयर को कट कर देना है। और इसको ऐसे करके चेक कर लीजिए ये बराबर है या नहीं। तो बिल्कुल बराबर है हमारा। अब हम लोग जो कान के पीछे हेयर रखे थे उसको भी निकालेंगे। इस तरीके से तिरछा लेके जाएंगे। फ्रंट का जो हेयर है वो लेयर कट में कट कर दी मैं। ये देखिए ये हमारी गाइडलाइन है यहाँ पे, और इसको ऐसे तिरछा कट करेंगे। यहाँ पे सीजर रखा है और यहाँ से कट कर दिया। तो फ्रंट का जो है हमारा वो लेयर कट हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी कट करेंगे। पानी आ रहा है। इस साइड के हेयर को भी कॉम करेंगे। और जैसे हमने इधर का कट किया था सेम उसी तरीके से इसको कॉम करके लाएंगे। गाइड लाइन जैसे ही निकलती है आपकी वैसे ही आपको हेयर को कट कर देना है। यहाँ पे सीजर रखेंगे और तिरछा कट करेंगे। और दोनों को चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं। तो ये हमारा लास्ट वाला लेयर बराबर आ रहा है, सेकंड वाला भी बराबर आ रहा है, एंड ऊपर वाला भी बराबर है। तो ये तो हमारा हो गया फ्रंट का हेयर कट। ओके, अब बारी आती है बैक का हेयर कट करने की। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत और भी कट करना है तो आप कट कर सकते हो। ये भी ऐसा लग रहा है लेकिन फाइनल लुक एंड तक जरूर देखिएगा। उसके लिए पहले बैक के हेयर को ओपन कर रहे हैं एंड पूरा इस तरीके से सेंटर पार्टीशन करके बैक तक ले जाएंगे। दोनों साइड के हेयर को बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। और यहाँ पे एक रबर बैंड लगा देंगे। अब आपको इसको कट करना है, जितनी लेंथ रखनी है वहां से आपको कट कर देना है। ओके, तो मुझे ज्यादा नहीं कट करना है, मुझे रिक्वेस्ट भी सिर्फ ट्रिम करने के लिए आ रही थी, मैं अभी ट्रिम करने जा रही हूँ। तो मैं जितना हेयर मेरा बेकार हो रखा है उतना ही कट करूंगी यहाँ पे। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट कट होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल स्ट्रेट कट हमने यहाँ पे कर दिया है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है ये। अब यहाँ से रबर बैंड को निकालेंगे एंड बैक में लेके जाएंगे और कॉम करके देखेंगे कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल बराबर है मेरा हेयर। बाकी मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ अपने स्टूडेंट से, कैसा है, बराबर है? अच्छा दिख रहा है ना, बिल्कुल बराबर है ना। तो ये है स्ट्रेट हेयर कट करने का बहुत ही इजी सिंपल तरीका। सेल्फ से आप इस तरीके से स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो। एंड फ्रंट का जो लुक था
वो आप देख सकते हो। अब इसमें आप अगर क्लचर लगाते हो तो जो हेयर का लुक है कुछ इस तरीके का आएगा, जिससे कि लगेगा कि आपने काफी ज्यादा लेयर कट करवा रखे हैं विदाउट लेयर कट किए। तो फ्रंट से हमने लेयर कट किया था जिसकी वजह से हमारे लेयर्स भी आ गए हैं और बैक से जो हमारा लेंथ है बालों का वो शॉर्ट भी नहीं हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रिम किया था, आपको जितना छोटा करना है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और फ्रंट का बालों का जो हेयर कट का लुक था वो कुछ इस तरीके का आया है, जो कि काफी अच्छा लगता है। साड़ी पे भी आप रख सकते हो, शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बट मुझे इतना ज्यादा शॉर्ट नहीं करना था। और सिंपली आपको क्लचर लगाना है तो आप क्लचर लगाओ, काफी ज्यादा अच्छा और खूबसूरत लगेगा आपके बालों का लुक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से हेयर कट करना समझ में आ गया होगा कि अगर आप खुद से हेयर कट करना चाहते हो, फ्रंट का लेयर कट करना है, बैक से स्ट्रेट कट करना है, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो। आप फ्रंट में लाओगे तो भी ये बराबर दिखेगा एंड बैक में लेके जाओगे तो भी ये पूरा बराबर दिखेगा हेयर कट। ओके, तो ये था आज का हेयर कट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और भी आपको कुछ जानना है, सीखना है ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स, मेकअप एंड हेयर स्टाइल से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मेरे सेकंड चैनल पे ब्लॉग वीडियोस अपडेट, ब्लॉग वीडियोस की अपडेट आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, भरपूर प्यार दीजिए, जैसे इस चैनल को आप लोग देते हो वैसे ही उम्मीद करती हूँ उस चैनल पर भी आप लोग भरपूर प्यार दिखाओगे। और हमारी फैमिली जो उस चैनल पर भी सिर्फ 2000 की है, बहुत जल्दी आप लोग जैसे इस चैनल को सपोर्ट किए वैसे उस चैनल पर भी काफी बढ़ी जाएगी। और प्लीज गाइस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, हेयर कट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।